नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। आपको याद होगा जब बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आने वाले थे, उस वक्त बिहार में गजब की सियासत हुई थी। वहां की पार्टियों ने खुलकर धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध किया था। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री को आरजेडी जेडीयू ने मिलकर तंज कसा था, धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाया था। लेकिन अब सीएम नीतीश ने जो किया है उस पर आरजेडी और जेडीयू क्या कहेगी, ऐसा सवाल जनता कर रही है और खास करके हिंदू सीएम नीतीश को खूब कोस रहे हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल पटना से हज यात्री गया के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हज यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर विदा किया। गया से हज यात्रा के लिए 24 फ्लाइट की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी हज भवन पहुंचे, जहां की तस्वीरें उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट की है। और नीतीश कुमार ने लिखा है, पटना स्थित हज भवन में हज यात्रियों की रवानगी के पूर्व आयोजित दुआइया मजलिस में शामिल हुआ। तस्वीर में सीएम नीतीश नमाज पढ़ने के वक्त लगाने वाली टोपी लगाए हुए दिख रहे हैं। अब इस पर जनता भड़क उठी है और सीएम नीतीश से सवाल कर रही है कि हिंदुओं के लिए कभी इतना क्यों नहीं किया गया। एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा है, हा हा, असली रूप में आ ही जाते हैं सुशासन बाबू। दूसरे यूजर ने अपनी राय रखते हुए लिखा, मुझे नहीं लगता इतने बड़े पैमाने में कभी भी हिंदू को तीर्थ पर भेजा गया हो। जागो बिहार के हिंदू, जाति को छोड़ो, एक साथ आओ, इन मुसलमान प्रेमी का विरोध करो। इसके अलावा एक और यूजर ने तो धीरेन्द्र शास्त्री की याद दिलाते हुए लिखा है, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा में आप क्यों नहीं पहुंचे थे, क्या कारण था सीएम साहब। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, कबूल ही क्यों नहीं कर लेते, रोज रोज की झंझट खत्म। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, सीएम साहब रामनवमी में भी शामिल हो जाए कीजिए। तो कुछ इस तरह से जनता सीएम नीतीश पर भड़की हुई है। आपको ये भी याद दिला दे, जब धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आने वाले थे तो बिहार में खूब बवाल मचा था, खास करके आरजेडी जेडीयू ने उनके आने तक का विरोध किया था। नीतीश कुमार ने भी तंज कसा था, लेकिन अब मुस्लिमों के लिए खास कार्यक्रम करके वो फंस चुके हैं। आपको बता दें 5638 यात्री हज की यात्रा पर जाएंगे। गया से हज यात्रा के लिए 24 फ्लाइट की व्यवस्था की गई है, जो सुपर जेट एयरवेज ने तैयार की है। 7 जून से लेकर 22 जून तक हज यात्रियों को ले जाया जाएगा। फिलहाल अंत में आपको सुनाते हैं कि इस दौरान सीएम नीतीश ने सेकुलरिज्म की जमकर बात की है, क्या कुछ कहा है सुनिए। तो ऐसा नहीं सफलता मिले और जो ठीक ढंग से काम होता है और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोग काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, सबके उत्थान के लिए हम लोग काम करते हैं। तो यही कहेंगे कि जो काम हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं और सबके उत्थान के लिए, तो आपस में प्रेम और भाईचारे का माहौल भी अभी तो हम कायम बहुत किए हम लोग, लेकिन अब इधर कोशिश हो रही है इधर से उधर फिर झंझट पैदा करने का। तो हम आप सब लोगों से यही कहेंगे कि वहां जाइएगा तो आप जरूर संकल्प लीजिएगा और वहां करिएगा कि फिर कोई भी किसी धर्म को मानने वाला है, लेकिन किसी को आपस में विवाद और झगड़ा नहीं होना चाहिए और सब लोग एकजुट करके आगे बढ़ेंगे तो सबका अधिकार है जी। तो आज जो यहाँ पर है तो कोई बाहर के कितने लोग, सब जो आज मुस्लिम है तो कितने लोग बाहर के, अरे यही के लोग ने बहुत लोग अपने को उस समुदाय में शामिल किए हैं, तो क्या अलग है, कोई अलग है, सब यही के हैं। इसलिए हम लोगों को तो शुरू में, हमको तो बचपन में ही मेरे पिता ने सब कुछ बताया था, इसलिए हम एक एक चीज जानते हैं। और हिंदू मुस्लिम में हम कभी बचपन से ही फर्क नहीं मानते, हम तो मानते हैं कि सब एकजुट है, लेकिन सबको अपना अपना जो भी करना है, जिस तरह का करना है पूजा वो करेंगे। तो आप लोग जाइए और वहां करिए और अपने लिए तो जरूर करिए, लेकिन बिहार और देश के लिए भी अच्छा करिए और समाज में जरूर ठीक ठाक माहौल रहे उसके लिए करिएगा कोशिश।